जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल VM Tech Info में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइनर अकाउंट ओपनिंग के विषय में, जो कि भारतीय स्टेट बैंक में अगर आप किसी बच्चे का अकाउंट ओपनिंग करवाना चाहते हैं जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं, उस बच्चों का अकाउंट ओपनिंग करने के जाएंगे तो वहाँ पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जिसके अंदर आपको सबसे पहले आधार कार्ड मांगा जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको एक और नया डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा जो कि है पैन कार्ड। दोस्तों आधार कार्ड सभी के पास बने हुए होते हैं, लेकिन पैन कार्ड हर किसी बच्चों के बने हुए नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पैन कार्ड की मांग क्यों की जा रही है? दोस्तों पहले आधार कार्ड पे खाते ओपन हो जाते थे, लेकिन अब आपसे एक एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पर मांगा जाता है जो कि है पैन कार्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पैन कार्ड की कहाँ जरूरत होती है और क्यों पैन कार्ड आखिर मांगा जाता है CSP केंद्र पे। तो दोस्तों ये वास्तव में उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर CSP केंद्र एक नई कमाई का जरिया ढूंढ रहे हैं जो पैन कार्ड भी वहाँ बनाते हैं और खाता भी वहाँ खोलते हैं, तो इसकी वास्तविकता क्या है आइए देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरा लाइव में आप प्रोसेस करके बताऊँगा जो माइनर अकाउंट में वहाँ पर पैन कार्ड जरूरी है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे करूंगा निवेदन कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं लाइव प्रोसेस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा फॉर्म ओपनिंग का पेज है। इसमें कस्टमर की पहले कुछ डिटेल डालने होते हैं, जैसे कि नाम, पिता का नाम, एड्रेस और यहाँ पर गाँव का नाम। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट चयन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद हम स्टेट का चयन करेंगे, फिर यहाँ पर स्टेट के कोड लगाएंगे और डिस्ट्रिक्ट कोड के बाद दोस्तों यहाँ पर हम पिन कोड नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट है क्या है जो भी ये कैटेगरी चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड हम लेंगे जो कि डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी प्रूफ। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें आधार नंबर एंटर करने होते हैं जो कि ग्राहक के आधार नंबर में एंटर करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम वो हम लेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेन है ये फॉर्म नंबर, जो यहाँ पर जितने भी रेड स्टार किए ये हमें भरने जरूर होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म के आगे हमें एक केवल पैन कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन कार्ड। और उसके बाद पैन कार्ड के सामने पैन कार्ड नंबर है, ये भी रेड मार्क में है, तो यहाँ पर हमें पैन कार्ड नंबर भी डालने ज़रूरी है। और उसके बाद दोस्तों इस यहाँ पर जब हम पैन कार्ड नंबर डालेंगे और फिर वह उसे हमें ऑनलाइन वेरीफाई भी करना होता है, उसके लिए वेरिफिकेशन का एक बटन आगे दिया हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर एंटर कर लेते हैं। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद हमें इन्हें वेरीफाई करना होता है, ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन होते हैं। जो पैन कार्ड नंबर अगर सही है तो ही यहाँ पर वेरीफाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी कुछ डिटेल और पेंडिंग है, जो ये डिटेल हम यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर फादर नाम डाल देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माता का नाम हमें दर्ज करना होता है, तो यहाँ पर माता का नाम दर्ज करेंगे। और उसके बाद पैलेस ऑफ बर्थ यानी कि उसका जन्म कहाँ हुआ है उस जगह का नाम डालेंगे। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें वेरीफाई करना होता है, आगे जो बटन है उसको वेरीफाई करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें यहाँ पर पीछे आपने जो भी देखा है वहाँ पर पैन कार्ड नंबर है जो कि बहुत ही मैंडेटरी है और ज़रूरी हो चुका है। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग नहीं होता है या हमें दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। और 18 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनके लिए ऑप्शन आता है फॉर्म नंबर 60 का, तो फॉर्म नंबर 60 लगाएंगे तो उनको पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए वहाँ पर 60 नंबर फॉर्म का ऑप्शन नहीं आता, वहाँ केवल पैन कार्ड ही मांगा जाता है। तो इसलिए अब CSP केंद्रों पर पैन कार्ड आपसे मांगा जाता है जो कि एकदम लीगल है, ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी गलत आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है। अब जिस डॉक्यूमेंट की जब ज़रूरत होगी तभी वो मांगते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।